लाल चौक का देखिए यहाँ पर रुझान सामने आ गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ आगे चल रही है। हबा कदल से भी एनसी के समीना फिरदौस कैंडिडेट आगे चल रही है। ईदगाह से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुबारक गुल आगे चल रहे हैं। चन्ना पोरा से अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी आगे चल रहे हैं। इन पर भी सभी की राय है। जैसे आपने लाल चौक का बताया, लाल चौक जो है उसका बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है एनसी का, जो ये सब मानते थे कि ये इतना काम नहीं कर सकता है, लेकिन अभी इसके फेवर में इलेक्शन जा रहा है तो हो सकता है कि ये बन के आएंगे, लेकिन बहुत यंग है। और जब हमने एनसी से पूछा कि आपने इसको मैंडेट क्यों दिया, लेकिन उन्होंने ये बोला कि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम यंगस्टर उसको चांस दे रहे हैं, जो पुराना लॉट है उसको थोड़ा कम करेंगे और नए नए लोगों को मैंडेट देंगे। लेकिन इसका ये सामने आया कि जो लाल चौक से जो है ये परदेशी का बेटा है वही आ रहा है यहाँ पे। देखिए 15 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे है जम्मू कश्मीर में, 18 पर बीजेपी के सारे रुझान जो लीड्स हैं ये जम्मू रीजन से हैं। हरियाणा में 40 पर अभी आधे घंटे की काउंटिंग में 40 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है 51 ट्रेंड्स में से, 8 पर सिर्फ बीजेपी। बीजेपी के कैंडिडेट कितने जीतेंगे पता नहीं, लेकिन दोनों मुख्यमंत्री के उम्मीदवार लीड कर रहे हैं उनकी तरफ से। मैडम ये बता सकते हैं ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चार रह रहे हैं, इस पर हम थोड़ी डिटेल और मंगवा रहे हैं। ये वाकई में अब ये दिलचस्प हो गया है, ये तो हंग असेंबली जैसी नौबत दिखाई दे रही है। स्वामी जी अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर की तस्वीर बड़ी दिलचस्प बन गई है। कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में 16 सीटों पर आगे, बीजेपी 18 सीटों पर लीड कर रही है और अदर्स बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। जी और जो अदर्स है वो 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 बीजेपी के खाते में जुड़ जाएंगे। और स्वामी जी का कहना बहुत दुरुस्त है। अब ठीक है, आंकड़ा कांग्रेस का 17 बात करते करते 17-18 हो गए। अब ये मामला तो देखो ऐसे पल पल जो है ना, जैसे हार्ट बीट और 18-18 हो गए बराबरी में आकर के मामला। स्वामी जी अनुलोम विलोम की सलाह देंगे, मामला बड़ा ही दिलचस्प हो रहा है। तो आज को इसमें आज तो है ना वनडे मैच जैसे 2020 का है ना, ऐसे इसका आनंद लेना चाहिए और जो है ज्यादा गफलत में नहीं रहना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन सूत्र को याद रखें और इसको इसके एक क्रिकेट मैच की तरह भी देखें तो ज्यादा उथल पुथल नहीं होगी, नहीं तो लोग पता लगा लोगों का बीपी शुगर ऊंचा नीचा हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, कहीं हॉस्पिटलों में भीड़ ना बढ़ जाए समर्थकों की या उम्मीदवारों के। उम्मीदवार तो थोड़े ढीठ होते हैं, समर्थक कई बार बेचारे पगला जाते हैं। कांग्रेस 20-18 और अदर्स 4, जम्मू कश्मीर में भी मामला ऊंचा नीचा हो रहा है और कांग्रेस एक तरफा 42 और बीजेपी 9 पर। चलो अनिल विज जी ने और जो है नायब सिंह सैनी जी ने थामा हुआ है दामन कांग्रेस बीजेपी का, तो चीज़ें बहुत कुछ चल रही है और अभी नाच डांस करने वाले भी आ गए हैं ढोल नगाड़े लेकर के। तो जो है मैंने कहा ना ये उत्सव की तरह इसको देखना चाहिए। तो ये राजनीति का महोत्सव चल रहा है, इसमें ज्यादा सुखी दुखी होने की जरूरत नहीं, समत्वम योग उच्चते ठीक रहेगा मीनाक्षी जी। हाँ बिल्कुल ये बात ठीक है, लेकिन स्वामी जी आप ये कह रहे हैं हम तो क्रिकेट मैच जैसा ही आनंद ले रहे हैं। देखिए 2020 की आपने बात की, कांग्रेस एनसी 20 और बीजेपी जो है वो 20 सीट पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अदर्स की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। हरियाणा देख लीजिए 45 पर कांग्रेस पहुंच चुकी है और सिर्फ बीजेपी 9 सीटों पर आ गई है। मैजिकल फिगर पर आ गई, आगे तो हरियाणा में तो आगे में तो कांग्रेस को तो फाइन मिल गया है। फाइनल तो नहीं आना लेकिन तो आंकड़े तो आ गए ना इनके पास, आगे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो सिचुएशन बन सकती है।